मंगल स्नान से पहले यहाँ पे गणेश जी की स्थापना की जाती है और जो सामग्री होती है वो सभी यहाँ पे रखी जाती है। तो आप जो मैं आप देख रहे होंगे इस तरह से सामग्री सजा के रखी गई है, तो आप सभी देख सकते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप आप सभी कुशल मंगल होंगे, काफी खुशी होंगे। सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं राधे श्याम सिंह नेगी, देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत से गांव चौरासे, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज लक्ष्मण सिंह राणा जी की कल मेहंदी थी और आज मंगल स्नान है, तो आपको वीडियो के माध्यम से मंगल स्नान की विधि दिखाई जा रही है। तो बने रहे वीडियो के अंत तक और देखिए हमारे यहाँ पहाड़ में कैसे मंगल स्नान किया जाता है। तो बने रहे मेरे वीडियो में और जिन भाइयों ने लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब अवश्य करें, आप सभी से अनुरोध है। और कमेंट्स में बधाई संदेश देना ना भूलें, देखते रहे मेरा वीडियो अंत तक। ब्राह्मण के द्वारा पूजा प्रतिष्ठा की जाती है मंगल स्नान से पहले, उसके बाद विधि विधान से हर कार्य होता है, तो आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से। दूल्हे के दाहिने ओर माँ बैठी है और बाईं ओर ताई जी बैठी हुई है, तो आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से। Thank you.
हल्दी लगाने से पहले सभी के हाथों में रक्षा धागा बांधा जाता है। तो आप वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे हैं तो ये हल्दी लगाने के लिए तैयार हैं, तो इनके हाथों में रक्षा धागा और मिठाई लगाई जा रही है। तिलक हमारे देवभूमि में सबसे पहले हल्दी ब्राह्मण लगाते हैं। सबसे जो मंगल स्नान का शुरुआत होती है ब्राह्मण से होती है, ब्राह्मण हल्दी लगाता। इसके बाद पांच कन्याएं, छोटी छोटी कन्याएं जो होती है वो हल्दी लगाती है दूल्हे या दुल्हन को। एक एक करके आते हैं सभी, फिर उसके बाद सभी लोग जितने भी उपस्थित हैं, रिश्तेदार हैं, सभी लोग हल्दी बारी बारी से लगाते हैं। तो आप वीडियो में देख सकते हैं। दूल्हे राजा के मम्मी और पापा हल्दी लगाते हुए, ये देखिए आप वीडियो में देख रहे होंगे, ये मम्मी और पापा है दूल्हे के, लक्ष्मण सिंह राणा के मम्मी पापा, ये आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से। ये है मम्मी पापा अपने बेटे की शादी में हल्दी लगाते हुए। दूल्हे राजा के ताई जी और चाची जी हल्दी लगाते हुए आप वीडियो में देख रहे होंगे, ये ताई है और ये चाची है।
दूल्हे राजा की नानी जी अपने नाती को हल्दी लगाते हुए। ये देखो आप वीडियो में देख रहे हैं, ये दूल्हे राजा की नानी है, ये फोटो खींचते हुए। दूल्हे राजा के दाहिनी ओर भाभी जी और बाई ओर बुआ जी, यानी भाभी और बुआ, सबसे छोटी बुआ हल्दी लगाते हुए। तो आप वीडियो में देख रहे होंगे, ये भाभी है और एक बुआ है, तो आप देख रहे हो फोटो खींचते हुए भाभी जी और बुआ जी। भाभी जी ने पल्लू डाल रखा, बुआ जी ने पल्लू नहीं डाल रखा, तो ये इसमें अंतर है क्योंकि वो बहू है तो इसलिए पल्लू डाल रखा। ये ससुर जी को है, चाचा ससुर जी है, ये चाचा को हल्दी लगाते हुए। तो सुंदर दृश्य है, बहुएं भी अपने ससुर को हल्दी लगा रहे हैं क्योंकि ससुर का शादी बाद में हो रही, तो इसलिए वो अपने ससुर को हल्दी कुमकुम लगा रहे हैं। देख सकते हैं आप वीडियो में। ये बुआ के द्वारा हल्दी लगाते हैं, आप वीडियो में देख सकते हैं। हल्दी कुमकुम सभी अपने अपने बारी के अनुसार लगाते रहते हैं, जिसका जब नंबर पड़ेगा तो वो तब हल्दी कुमकुम लगाता है। ए ताई जी, दूल्हे राजा की ताई जी हल्दी लगाते हैं। ये आप देख रहे होंगे, बुजुर्ग आदमी है इसलिए झुक नहीं सकते, इसलिए खड़े खड़े ही लगा रहे हैं। ये दूल्हे राजा के ताऊ जी और ताई जी, ये भी दूल्हे राजा को हल्दी लगाते हैं, आप वीडियो में देख रहे होंगे। ये देखो ताऊ जी लगा रहे हैं। मंगल स्नान में सभी रिश्तेदार अपने अपने समय अनुसार, जिसका जब नंबर पड़े तब वो अपना अपना बारी के अनुसार हल्दी कुमकुम लगाता है। तो ये अभी दूल्हे राजा के दोनों बुआ हल्दी लगाते हुए। ये हल्दी वाला जो सीन है, किसी भी कार्य करने के लिए हल्दी, हल्दी जो कि सुख का प्रतीक है, जिस तरह गणेश भगवान सुखता का प्रतीक है, विघ्न हरता है, उसी प्रकार हल्दी भी हर शुभ कार्य के लिए लगा जाता है। यह भी दूल्हे राजा की बहने, छोटी बहने हल्दी लगाते हुए कुमकुम, इनके चेहरे में कितनी खुशियाँ है कि आज हम भाई के जो शादी की जो मंगल स्नान में हम उनको हल्दी कुमकुम लगा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, और पहाड़ में या हर क्षेत्र में जहाँ भी विवाह होता है, जब भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह हुआ था तो तब ये हल्दी कुमकुम वाली परंपरा थी, तो तब से सदियों से ये परंपरा जारी है।
और अभी दूल्हे राजा के भाई और भाभी जी यानी इनके दूसरी नंबर के बुआ का लड़का और उनकी बहू दूल्हे राजा को हल्दी लगाते हैं। अब ये दूल्हे राजा के भाई और भाभी जी हुए तो ये भी हल्दी कुमकुम लगा रहे हैं। तो ये बड़ा मनोरम दृश्य होता है और यादगार पल होते हैं ये जब। और ये अभी दूल्हे राजा की छोटी बहन अपने भाई को कुमकुम लगाते हुए हंसते हुए देखो कितनी खुश है कि भैया की आज शादी में मंगल स्नान का हल्दी कुमकुम लगाने का उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये अभी बुआ जी आ गई है सबसे बड़ी बुआ ये भी हल्दी कुमकुम लगा रही है। ये भी एक सौभाग्य होता है कि दूल्हे राजा को यानी दूल्हे राजा यानी कि भोलेनाथ हुआ और दूल्हा दुल्हन माता पार्वती का स्वरूप है क्योंकि माता पार्वती और भोलेनाथ जी ने ये परंपरा शुरू की थी शादी का फेरे लेने का। ये मंगल स्नान हुआ शादी फेरे हुए जयमाला हुआ ये सब उस समय से ये चले आ रहे सदियों से ये परंपरा जो है चली आ रही है। आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। जिन भाइयों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया राधे श्याम सिंह नेगी मेरा अगर आप सर्च करेंगे तो मेरा फोटो मेरी मिसेज का फोटो आ जाएगा यानी @SmallLetter में राधे श्याम सिंह 9152 भी अगर सर्च करोगे तो मेरा चैनल आ जाएगा। तो आपसे मेरा अनुरोध है कि जिन भाइयों ने जिन भी माता बहन भाई बहनों ने मित्रों ने दोस्तों ने जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो मेरा आपसे अनुरोध है हाथ जोड़ के विनती है कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। और वीडियो में मैसेज मैं बधाई संदेश अवश्य दें क्योंकि लड़के की शादी हो रही है तो उसके लिए लक्ष्मण सिंह राणा की जो शादी हो रही है तो उसके लिए बधाई संदेश भी होना ज़रूरी है क्योंकि एक शुभ पल है ये और जीवन में ये एक ही बार आता है और इस शुभ घड़ी का हर कोई इंतज़ार करता है कि कब उसकी शादी हो मंगल स्नान हो। वैसे मंगल स्नान अमूमन दो बार होता है एक तो जब लड़के का जनेऊ संस्कार होता है तो उस समय जनेऊ संस्कार में तो जनेऊ संस्कार होने में भी मंगल स्नान होता है उस समय भी सेम प्रक्रिया होती है। तो ये अभी दूल्हे राजा के सबसे छोटी बुआ और मामा जी दूल्हे राजा को हल्दी कुमकुम लगाते हुए आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। ये सबसे छोटी बुआ और सबसे छोटे मामा जी हैं दूल्हे राजा के तो आप देख सकते हैं। और इन्हीं का YouTube चैनल है यानी कि ये मैं स्वयं हूँ अपने भांजे की शादी में गया हूँ तो उसमें मैं अपने भांजा को यानी कि दूल्हे राजा को हल्दी कुमकुम लगा रहा हूँ तो आप वीडियो में देख सकते हैं जो कि एक अच्छा शुभ मुहूर्त होता है तो उसमें आदमी हल्दी कुमकुम लगाता है। तो जनेऊ संस्कार में सेम प्रक्रिया होती है क्योंकि वो भी मंगल स्नान माना जाता है तो जनेऊ संस्कार में भी इसी तरह मंगल स्नान का जो हल्दी कुमकुम का जो दृश्य होता है तो सभी उपस्थित सदस्य रिश्तेदार जो भी हैं तो सभी मिल करके उसमें भी कुमकुम हल्दी लगाते हैं फिर जनेऊ संस्कार होता है और उसमें स्नान भी होता है। तो आप देख रहे होंगे स्वयं वीडियो के माध्यम से तो दूल्हे राजा की शादी यानी कि चौरासेन में उनका गांव है तो चौरासेन में इनकी शादी हुई है और उसका ससुराल सारंग गांव में है तो यहां पे उसकी शादी हो रही है तो ये आप देख सकते हैं ये बन रहा है प्रोग्राम। ये देखिए हल्दी लगाने के बाद फोटो सेशन भी होता है तो सभी फोटो वोटो खींच रहे हैं और हल्दी भी लगा रहे हैं साथ साथ में।
क्योंकि जब इसका एल्बम बनेगा, वीडियो बनेगा, तो ये सभी लोग देखेंगे यहाँ भाई ऐसी हमारी शादी हुई थी और हमने ऐसे इनको मंगल स्नान में हमने हल्दी लगाया था। तो ये अनूठी परंपरा है जो कि जब तक संसार रहेगा तब तक ये परंपरा चलती रहेगी। और पहाड़ों में क्या हर जगह जहाँ भी शादी का विवाह हो, जने संस्कार होता है, तो सभी अपने प्रेम से अपने रिश्तेदारों को, अपने गांव के लोगों को बुलाते हैं, तो उसके बाद उसको निभाते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये सब होता है प्रोग्राम। तो आप देख सकते हैं सभी सदस्य हैं अपने अपने बारी के हिसाब से आ करके अपना काम करते हैं। तो आप देख सकते हैं और ये सौभाग्य होता है। अब हर किसी के सौभाग्य में नहीं होता कि वो वर नारायण को यानी कि भोले शंकर को हल्दी लग कुमकुम लगाने का सो अवसर प्राप्त हो। तो आप देख सकते हैं ये मम्मी दोबारा रखी है हल्दी लगाने के लिए। सभी लोग आते हैं और अपनी बारी के अनुसार लगाते हैं। तो जो मंगल स्नान का जो कार्यक्रम होता है वो मनुष्य के जीवन में दो बार होता है। एक तो जब इसका चूड़ा कर्म होता है, जनेऊ संस्कार चूड़ा कर्म बोलते हैं, जनेऊ संस्कार चूड़ा कर्म एक साथ भी होता है। कभी कभी चूड़ा कर्म यानी बाल निकल जाते हैं छोटे वर्ष में, 3 वर्ष में 5 वर्ष में, तब भी लोग मंगल स्नान करवाते हैं, लेकिन अमूमन जनेऊ संस्कार में ही करते हैं। और ये देखो भाई हल्दी कुमकुम लगाते हैं, ये देखो ये बड़ा प्यार से हल्दी लगा रहे हैं। देखो ये देखो देखो इसे हल्दी लगाने का तरीका देखो भाई का, मतलब पूरा बेनिफिट उठा रहा है भाई जी, बैठ करके एकदम हल्दी पूरा शरीर में चेहरे में लपेट करके। ये देख, तो ये साथ में रहते हैं तो इसलिए इन्होंने और घिस घिस के लगा रखा है। और उसमें इसके दोस्त भी आ रखे हैं, ये मामा जी हैं उसके। ये देखो ये सभी इसके रिश्तेदार हैं, कोई चाचा है, कोई चाची है, कोई भाई है, भाभी है, कोई बहुएं हैं, कोई ताई है, कोई बुआ है, कोई मामा है, कोई दोस्त है, कोई मतलब हर कोई भाई भाभी है। तो सभी लोग अपने अपने बारी से आते हैं और हल्दी कुमकुम लगा के चले जाते हैं। एक अनूठी परंपरा पहाड़ी शादी। पहाड़ी शादी में तो सादगी रहती है, वैसे तो लोग सभी परंपरा में है, परिधान में है, पिछोड़ा लगा रखा है, साड़ी पहन रखी है, अपने जैसे जिसके पास ज्वेलरी है, कुछ नकली कोई असली है, वो अपने अपने हिसाब से उन्होंने लगा रखे हैं। आप देख सकते हैं परंपरा है जो हमारे यहाँ पिछोड़े का परंपरा है, तो पिछोड़ा भी उन्होंने डाल रखा है। और अभी जो है कि मौसम जो है सर्दियों का मौसम है, तो सर्दियों के मौसम में कोटी और कपड़े अधिक पहनने पड़ते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो महिला है माता शक्ति है उनका अपना अनूठा परंपरा के अनुसार अपनी वेशभूषा रहती है। तो आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से, तो सभी लोग अपने अपने बारी से हल्दी कुमकुम लगा रहे हैं। और ये बुल्ले राजा के मामा जी और मामी जी, ये भी देखो हल्दी कुमकुम लगा रहे हैं। आप वीडियो में देख रहे होंगे, वीडियो का आपको पूरा देखना पड़ेगा, तभी आपको पता लगेगा कि गांव के पूरे सदस्य सभी रिश्ते नाते रिश्तेदार अपने बारी के अनुसार हल्दी कुमकुम लगाते हुए। ये देखिए अनूठी परंपरा, देखो पिछोड़ा जेवर नथ इत्यादि लगा करके सब तैयार हैं। और तो ये सारा जो प्रांगण है घर में सभी लोग खचाखच भरे पड़े हैं, सभी बैठे हुए अपना अपना काम जो हल्दी कुमकुम लगा करके अपने अपने बारी से लगाने के बाद बैठे हुए हैं। और ये देखो इसके बाद जो बजाने वाले हैं वो अपना ढोल बजा रहे हैं, उसमें सभी खुशी से नृत्य कर रहे हैं। मंगल स्नान के बाद ये दृश्य है, ये लोग डांस करते हैं, कितना खुशी का आनंद हो रहा है।
खुशी का पल होता है। जब घर में शादी होती है, दूल्हे की शादी होती है, लड़के की शादी होती है, तो सभी घर वाले खुश होते हैं, क्योंकि उनके घर एक नए सदस्य आने वाला है। उनके गांव में उनके जो मित्र मंडली में एक सदस्य और जुड़ जाता है, साथी उनके लिए एक और मिल जाता है, परिवार में भी एक सदस्य मिल जाता है, तो उस खुशी में भी आदमी खूब नाच गान करता है। आप वीडियो में देख रहे होंगे, सभी लोग बैठे हैं, चाव भी देख रहे हैं। लेकिन लड़की की शादी में थोड़ा सा दुख होता है कि हमारी लाडली बेटियाँ बिछू करके अपने ससुराल चली जाएगी, लेकिन ससुराल पक्ष जो होता है, बड़ पक्ष जो है, वो खुश रहते हैं और वो मस्त रहते हैं कि अभी हम बहू ला रहे हैं, बेटी ला रहे हैं, और हमारा एक सदस्य बच जाएगा और हमारा जो साथी है वो भी बढ़ जाएगा, तो रिश्ते नाते एक और बढ़ जाता है। किसी की बहू होगी, किसी की साथी होगी, किसी की साथी होगी, किसी मतलब हर रिश्ता अलग अलग रिश्ते के अनुसार अलग अलग हो जाते हैं। ये भी एक अच्छी परंपरा है, ये खुशियों का पल है। लेकिन जिस घर से लाडली बेटियों का विदाई होती है, वो घर कुछ भी होता है कि आज उनके लाडली की शादी होगी, कुछ भी होता है कि उनके लाडली आज उनसे बिछड़ रहे हैं, क्योंकि आज तक उसने उस घर के अपने घर के मतलब अपना दायित्व दिया और अब आगे घर में अपना दायित्व निभाने के लिए प्रस्थान कर दिया। ये अनूठी परंपरा है शादी की, जो कि भोलेनाथ और माता पार्वती ने शुरू की थी, तब से ये परंपरा लगातार निरंतर चल रही है। जब तक ये धरा रहेगी, ये संसार रहेगा, इसमें मनुष्य रहेंगे, तब तक ये अनूठी परंपरा चलती रहेगी। और कितने लोग आए गए, ये परंपरा हमेशा रहेगी। और परंपरा को कायम करने के लिए हर मनुष्य को अपने क्षेत्र की परंपरा को निभाना पड़ेगा। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं राधेश्याम जी, आप सभी का 84 से स्वागत।